दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों ब्लॉक स्टेशन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है ए क्लास ब्लॉक स्टेशन, दूसरा है बी क्लास ब्लॉक स्टेशन, तीसरा है सी क्लास ब्लॉक स्टेशन और चौथा है स्पेशल क्लास ब्लॉक स्टेशन। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे ए क्लास स्टेशन से। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ए क्लास स्टेशन ऐसे स्टेशन है जहां से किसी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जा सकता है जब तक कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह लाइन होम सिग्नल से कम 400 मीटर तक अथवा स्टार्टर तक साफ ना हो। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एक ए क्लास स्टेशन है, यहां पर इस मेन लाइन पर किसी गाड़ी को इस पिछला स्टेशन से रिसीव करने के लिए इस होम सिग्नल से लेकर कम से कम 400 मीटर दूरी तक अर्थात इस स्टार्टर तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी हम पिछला स्टेशन को किसी गाड़ी का लाइन क्लियर दे पाएंगे। अगर ये 400 मीटर की दूरी साफ नहीं रहेगा तो हम इस स्टेशन से किसी गाड़ी का लाइन क्लियर नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही व्यवस्था जिस स्टेशन पर रहता है वह ए क्लास स्टेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ए क्लास स्टेशन में केवल टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम रहता है और इस स्टेशन पर कम से कम सिग्नल्स वार्नर होम और स्टार्टर सिग्नल रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं बी क्लास स्टेशन के बारे में। तो बी क्लास स्टेशन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, बी क्लास स्टेशन ऐसे स्टेशन है जहां पर स्टेशन में किसी गाड़ी को लेने के लिए स्टेशन सेक्शन साफ होने से पहले ही लाइन क्लियर दिया जा सकता है। तो चलिए आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए यह एक मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम वाला बी क्लास स्टेशन है, तो इसका इस काला वाला भाग स्टेशन सेक्शन है जबकि इस लाल वाला भाग ब्लॉक सेक्शन है और ये पीछे का एक स्टेशन है जिसका नाम ए है। तो यहाँ पर इस स्टेशन सेक्शन के साथ नहीं रहने पर भी हम इस ए स्टेशन से किसी दूसरी गाड़ी को रिसीव करने के लिए लाइन क्लियर दे सकते हैं। यानी अगर इस स्टेशन सेक्शन में कोई दूसरी गाड़ी है या समथिंग मूवमेंट करा रहे हैं तो भी हम इस ए स्टेशन को किसी दूसरी गाड़ी को चलाने के लिए लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिस स्टेशन पर रहता है वह बी क्लास स्टेशन के नाम से जाना जाता है। बहुसंख्यक व्यवस्था या मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम वाले बी क्लास स्टेशन में कम से कम एक डिस्टेंस सिग्नल, होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल रहता है। दोस्तों अगर आप मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम, टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम, लाइन क्लियर, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं सी क्लास स्टेशन के बारे में। तो इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो ब्लॉक है जहां गाड़ी के लिए आगमन अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि ठीक पहले आने वाली पूरी गाड़ी होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न चली गई हो और वह चलती ही जा रही हो। तो चलिए आइए दोस्तों एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए यह एक सी क्लास स्टेशन है और यह एक पीछे का स्टेशन है जिसका नाम ए है। तो इस सी क्लास स्टेशन के इस होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी तो साफ होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो गाड़ी इस 400 मीटर की दूरी पार कर आगे गई है वह आगे जाते ही रहना है, तभी हम किसी दूसरी गाड़ी को ए स्टेशन से रिसीव करने के लिए लाइन क्लियर देंगे। यानी अगर पहली वाली गाड़ी इस 400 मीटर दूरी पार करके खड़ी हो गई हो तो हम दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर नहीं देंगे। ऐसी व्यवस्था जिस स्टेशन पर रहता है वह सी क्लास स्टेशन कहलाता है। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम के सी क्लास स्टेशन में कम से कम एक वार्नर सिग्नल और होम सिग्नल होना जरूरी है। अगर सी क्लास स्टेशन में कोई स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो होम सिग्नल ही फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल दोनों होता है। चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन के बारे में। तो इसे इस प्रकार डिफाइन किया गया है, जिस स्टेशन का पूर्णतः पूर्ण ब्लॉक पद्धति यानी एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम से काम नहीं हो सकता है उसे स्पेशल क्लास स्टेशन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे सभी स्टेशन जहां पर एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम से कार्य नहीं होता है स्पेशल क्लास स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैसे सभी स्टेशन जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास अथवा नन ब्लॉक स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है स्पेशल क्लास स्टेशन के अंतर्गत आता है। थैंक यू।